नमस्ते दोस्तों, टुडे ट्रेंडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जाएंगे धर्मराजेश्वर की यात्रा पर। बता दें दोस्तों कि धर्मराजेश्वर चंदवासा गांव में तहसील शामगढ़ मंदसौर ज़िले में स्थित है। तो आइए दोस्तों चलते हैं धर्मराजेश्वर। यहां जाने के लिए हमें मंदसौर से मेलखेड़ा जाना होता है। मेलखेड़ा से 10 किलोमीटर की दूरी पर धर्मराजेश्वर मंदिर स्थित है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं धर्मराजेश्वर मंदिर के पास, जहां धर्मराजेश्वर मंदिर से पहले एक मंदिर आता है। चलिए देखते हैं यह किस भगवान का है। दोस्तों यह मंदिर पंचमुखी बालाजी का है, जिसे अभी एक साल पूर्व ही बनाया गया है। चलिए तो दोस्तों आगे चलते हैं चंदनगिरी पहाड़ी पर, जहां स्थित है भगवान शिव और भगवान विष्णु का धर्मराजेश्वर मंदिर। दोस्तों यह मंदिर 7वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार राजवंश के द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर को चंदनगिरी पहाड़ी को खोदकर बनाया गया है, तथा इस पहाड़ी पर भीम गुफाएं भी अवस्थित है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं धर्मराजेश्वर। चलिए चल के देखते हैं मंदिर को। यह मंदिर सभी गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया है। जब हम यहाँ आगे चलते हैं तो हमें अंदर मंदिर के अंदर गुफा में उतरना होता है। यहाँ सीढ़ियाँ हैं, यह सीढ़ियाँ लगभग 50 सीढ़ियाँ हैं, जिसकी गहराई 30 फीट के लगभग है। तो चलिए दोस्तों यहाँ जाने के बाद हमें एक लंबे रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि गुफा की तरह है, लेकिन इसके ऊपर कोई छत नहीं है, लेकिन यह 12 से 15 फीट गहरा है। इसमें से जाने के लिए हमें 4 दरवाज़ों से होकर गुजरना पड़ता है। यह पहला दरवाज़ा है। यहाँ बीच बीच में कुर्सियाँ लगी है, सोशल डिस्टेंसिंग हेतु गोले बनाए गए हैं। यह अगला दरवाज़ा जो आप देख सकते हैं, यह आ रहा है। दोस्तों बता दें कि इसमें कोई भी मशीनरी का यूज़ नहीं किया गया है। यह सभी दीवारें पुरानी बनाई गई है और पहाड़ को अंदर खोदकर एक ही चट्टान द्वारा पूरा मंदिर बनाया गया है। दोस्तों ये गोले आप देख सकते हैं, सर्कल्स, यह सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं धर्मराजेश्वर मंदिर के मेन द्वार की ओर। यहाँ जब हम पहुँचे तो हमें यह गुरुजी हवन करते हुए मिले, जहाँ हमने देखा कि एक मंदिर भगवान भैरव का है, यह भैरव भगवान है, और तथा द्वितीय मंदिर जो कि इसके जस्ट सामने है वह अम्बे माता का मंदिर है। दोस्तों यह है माँ अम्बे की प्रतिमा। जब हम यहाँ से आगे चलते हैं तो यह सामने दिख रहा है धर्मराजेश्वर का मुख्य मंदिर, जिसमें भगवान विष्णु और महादेव की प्रतिमा स्थापित है। भगवान महादेव का शिवलिंग है, तथा भगवान विष्णु की एक खड़ी हुई प्रतिमा है, जिसका कलर ब्लैक है। जब हम यहाँ से आगे जाते हैं तो हमें शुरू में भगवान गणेश का मंदिर मिलता है, उसके बाद मुख्य मंदिर की ओर जाया जाता है। तो दोस्तों आइए तो चलते हैं मुख्य मंदिर में। दोस्तों यहाँ पर पंडित जी को वेदों का अध्ययन करते हुए देखा जा सकता है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मुख्य मंदिर के अंदर। यह है भगवान शिव, और जो सामने लाइट में दिख रहे हैं, यहाँ बिल्कुल अंधेरा था। दोस्तों यहाँ लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, यह सरकार की बहुत बड़ी कमी है। यह शिवलिंग है जो कि इस मंदिर के अंदर, तथा यह भगवान विष्णु की प्रतिमा है जो इस मंदिर के अंदर स्थापित है। दोस्तों यह गुर्जर प्रतिहार वंश की द्वारा बनाया गया मंदिर है, जिसकी शैली नागर शैली है। दोस्तों यहाँ पर मुख्य मंदिर के अलावा 8 ऐसे छोटे छोटे मंदिर है, जिसमें भगवान विष्णु के
बहुत सारे अवतार की प्रतिमाएं हैं तथा बहुत सारे मूर्तियां ऐसी है जो कि खंडित हो चुकी है, जिन्हें बताया नहीं जा सकता कि वह किस देवी देवता की है। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ से मंदिर के पीछे की ओर, जहाँ पर लगभग 8 से 9 मंदिर हैं जो इस मंदिर से छोटे हैं परंतु उनकी कारीगरी उत्कृष्ट है। यह जो सामने दिख रहा है मंदिर, इन सब में विष्णु के अवतार हैं, गणेश जी के अवतार हैं, जिनकी मूर्तियाँ रखी गई है जो कि यहाँ से खुदाई में प्राप्त हुई है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस मंदिर के अंदर किन देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं यह भगवान विष्णु की अनेक अवतारों की मूर्ति इसके अंदर स्थापित की गई है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले मंदिर की ओर। दोस्तों बता दें कि यह मंदिर 7वीं शताब्दी में बनाया गया था तथा यह मंदिर अभी तक उसी स्थिति में है जब इसे बनाया गया था इस पहाड़ी में। तो दोस्तों ये देखिए भगवान विष्णु की प्रतिमा जो कि शेषनाग के अंदर सोए हैं तथा माता लक्ष्मी इनके चरण दबाते हुए। दोस्तों तो हम बता रहे थे यह मंदिर चंदनगिरी की पहाड़ी को खोदकर बनाया गया है तथा यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं की शरण स्थली भी है जिसे भीम गुफा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस मंदिर के अंदर हमें भगवान विष्णु की और प्रतिमा मिलेगी। इसमें भी भगवान विष्णु अपने शयन आसन पर विराजित है। यह देख सकते हैं आप कितनी अच्छी उत्कृष्ट शैली की प्रतिमा। दोस्तों यहाँ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा शिक्षा ग्रहण की जाती थी तथा यहाँ इस मंदिर में बहुत सारे बौद्ध स्तूप भी अवस्थित है। देखते हैं भगवान विष्णु की अगला मंदिर। दोस्तों यहाँ मंदिरों पर जाली वाले दरवाजे लगाए गए हैं ताकि हम आसानी से दर्शन कर सकें। यह प्रतिमाएं कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों यह देखिए मंदिर का गुम्बद का नज़ारा जिसके ऊपर नक्काशी की गई है। वैसे तो बहुत सारे इतिहासकार यह भी बताते हैं कि युधिष्ठिर के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था तथा युधिष्ठिर का नाम धर्मराज होने के कारण ही इस मंदिर का नाम धर्मराजेश्वर रखा गया है। दोस्तों इतिहास में कई तरह की कहानियाँ इस मंदिर के लिए प्रचलित है। यह देखिए मंदिर के पीछे दोनों तरफ तथा पीछे की तरफ कई मंदिर है जिनमें भगवान विष्णु की प्रतिमाएं अवस्थित है। यह उत्कृष्ट शैली का एक उदाहरण है। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। अब इस किले इस मंदिर में ऊपर की साइड दीवार पर जाने के लिए यह सीढ़ियाँ बनाई हुई है जहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। जब हम सीढ़ियों से दीवार के ऊपर गए तो हमने देखा कि यहाँ भी ऊपर गुरुओं द्वारा वेद की पढ़ाई की जा रही है, वह भी इस में बनी एक गुफा के अंदर। यह पंडित जी हमें वहाँ मिले थे जिनसे हमने इस मंदिर की संपूर्ण जानकारी ली। यह देखिए यह मंदिर का नज़ारा इसके दीवार से देखिए कितना उत्कृष्ट नज़ारा। धर्मराजेश्वर मंदिर मंदसौर तहसील शामगढ़ मध्य प्रदेश का। यह देखिए इसकी दीवार में गुफा बनाई गई है। बताया जाता है कि जब युधिष्ठिर और पांडव जब अज्ञातवास में थे तब वह यहीं आके रहते थे और उनके द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। यह देखिए जब हम यहाँ से आगे चलते हैं तो इस दीवार से मंदिर के चारों ओर का नज़ारा ऊपर से देखा जा सकता है। दोस्तों बता दें कि
इस मंदिर को पहाड़ी को पहले खोदकर फिर केवल एक ही चट्टान द्वारा यह सारे मंदिर बनाए गए हैं, उस चट्टान को खोखला करके। यहीं से ऊपर से बाहर भी निकला जा सकता है, लेकिन दोस्तों हम आपको बताने के लिए वापस मंदिर से मंदिर के नीचे की ओर जाएंगे, ताकि हम आपको अच्छे से इस मंदिर के बारे में बता सकें, ताकि जब हम आप यहाँ आए तो आपको कोई परेशानी ना हो। यह देखिए वह गुफा सामने दिख रही है, हम इन सीढ़ियों पे खड़े होकर आपको सभी दिखा रहे हैं नज़ारा। अब हम यहाँ से बाहर की ओर आ गए हैं, जो कि ऊपर से पहाड़ी के ऊपर से यह रास्ता इस तरह से दिखता है, एक बड़े नाले की तरह, जबकि यह नीचे जाकर एक रास्ता है जो कि मुख्य मंदिर की ओर हमें ले जाता है। यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो इस दीवार के पीछे है भगवान धर्म राजेश्वर यानी कि महादेव और विष्णु का मुख्य मंदिर। दोस्तों यहाँ पर यह देखिए, यह है भगवान विष्णु का मुख्य मंदिर, जिस पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई है तथा एक ही पहाड़ी को खोदकर इस पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है। दोस्तों सावन के महीने में यहाँ पर मेला भी लगता है, सावन की अमावस्या को, जिसमें बहुत भक्त और श्रद्धालु यहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं। दोस्तों यह थी भगवान धर्म राजेश्वर मंदिर मंदसौर तहसील शामगढ़ की यात्रा। इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।